The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent. This program is intended for educational purposes. You're listening to Rap sun rahe hain. Tum suno tha. Ning lage kunada. Tu khelta idira. Radio. Radio Azim Premji University. भाई हिंदुस्तान भर को घूमने के कई तरीके हैं। जिंदगी के कुछ साल निकालिए, पैसे इकट्ठे कीजिए, फिर गिनिए, सोचिए कि आप कहां तक जाएंगे, फिर दो एक जगह चुनिए, फिर सोचिए अब कहां जाया जाए, या यहीं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी पे मेरे साथ चलिए, मैं घुमा लाता हूं। क्योंकि बंधु, हमने आपके लिए एक नई गाड़ी तैयार की है जिसका नाम है हिंदुस्तान की नई गीतमाला। हिंदुस्तान की और कमाल की बात यह है कि आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा, ना टिकट लगेगी, और घर बैठे बैठे मैं न सिर्फ आपको हिंदुस्तान घुमा दूंगा, बल्कि हो सकता है कि हम देश के दिल के ऐसे कोनों में भी हो आए जहां आप पहले न गए हों। ये देश निराला है भाई, कई जबानों ने पाला है भाई। भारत के संविधान को अक्सर देश की लाइफ लाइन या देश की धड़कन कहा जाता है। इसकी कई वजह है। हमारी सरकार कैसी हो, उसकी ताकतें क्या हों, जिम्मेदारियां क्या हों, लोगों के अधिकार क्या हों, कानून का क्या मतलब है हमारे लिए, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हम लोकतांत्रिक हैं, पर इसका मतलब क्या है? हम एक गणराज्य हैं, पर इसका मतलब क्या है? क्यों इतनी भाषाओं, धर्मों और कल्चर्स के बावजूद हम एक साथ रह पाते हैं, और क्यों इसको बचा के रखना, इसे समझना हमारा फर्ज है। ये सब सवाल हर हिंदुस्तानी को करने चाहिए और इसके जवाब हम सबको आने चाहिए। हिंदुस्तान की नई गीतमाला में किसी एक भाषा के गाने हम नहीं सुनेंगे, कई भाषाओं के गाने सुनेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। मेरा नाम है पंछी और आज सबसे पहले हम भारत को, हिंदुस्तान को, इंडिया को सलाम करते हैं और कहते हैं यहाँ पे भाई कोई भी गाना पूरा नहीं चलेगा। ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के अलग अलग व्यंजन हैं, खट्टे, मीठे, सॉल्टी, तीखे, चखते रहिए। लेकिन इस शो के शो नोट्स में मैं आपको हर गाने का यूट्यूब लिंक देता जाऊंगा। अगर कोई व्यंजन आपको ज्यादा पसंद आए तो पूरी थाली खाने की जिम्मेदारी आपकी। Our country is diverse and the way to travel with us is to keep your mind open, listen to the melodies and words of our countrymen and women, and sometimes you may not understand what they are saying, and that is quite all right. हम भी एक दूसरे को पूरी तरह कहाँ समझ पाते हैं, पर कोशिश यही है कि समझने की कोशिश करते रहें। ऐसा है ना, इतना बड़ा देश है, इतने सारे अलग अलग लोग हैं, जितना हम एक दूसरे की बात सुनेंगे, बैकग्राउंड्स को समझेंगे, उतना हम साथ में रह पाएंगे। जैसे मेरे गुरु शायर अंबर साहब कहते हैं कि मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते, कोई रास्ता निकल आता, है ना। तो अगला गाना है बांग्ला स्टेशन से, हाय भालोबासी बाय मोहनीर घोरागुली। और इस गाने में कहते हैं कि चांदनी जैसे फूलों के खेतों में मैं उल्लास के साथ दौड़ता हूं, मीठे रास्तों और पहाड़ों के साथ मैं मुक्त होना चाहता हूं, फिर भी दुख की छाया थोड़ी थोड़ी मेरे रास्ते में छाई हुई है, मेरे दिल में ये दुख वास्तव में है क्या? ভালোবাসি জ্যোৎস্নায় কাশবনে ছুটতে, ছায়া ঘেরা মেঠো পথে ভালোবাসি হাঁটতে, দূর পাহাড়ের গায়ে গোধূলির আলো মেখে, কাছে ডাকে ধান ক্ষেত সবুজ দিগন্তে, তবুও কিছুই যেন ভালো যে লাগে না কেন, উদাসী পথের মাঝে মন পড়ে থাকে যেন, কোথায় রয়েছে ভাবি লুকিয়ে বিষাদ তবুও। ইয়ে হ্যায় রেডিও আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটি অর আপ সুন রহে হ্যায় हिंदुस्तान की नई गीतमाला। हिंदुस्तान की नई गीतमाला। सत्य हरीश चंद्र को 1965 में प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल फॉर बेस्ट फीचर फिल्म मिला था।
ये हुंसुर कृष्ण मूर्ति का लिखा गाना है और आज भी उतना ही सच है जितना तब था। जब तक हम जात पात से मजहब से ऊपर नहीं उठ जाते, ये गाना हम सबके लिए जरूरी रहेगा। नहीं हिंदुस्तान में एक बड़ा डिबेट ये है कि नेशनल लैंग्वेज किसको कहें, एंड लैंग्वेजेस टू ऑल ऑफ अस आर सच लार्ज पार्ट्स ऑफ आवर आइडेंटिटी। इन पर न सिर्फ हमें फक्र होता है बल्कि हम इस पर लड़ने मरने को भी कई बार तैयार हो जाते हैं। इसलिए ये सफर मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। जैसे जैसे मैं खुद देश भर के गाने सुन रहा हूँ और अपनी गाड़ी अलग अलग स्टेशन पर लेके जा रहा हूँ, आई थिंक इट मेक्स मी मोर एम्पथेटिक टू पीपल आई मे otherwise not easily understand. इस गाने में कई बार एक लफ्ज आता है, विदू द लाइट। मुझे भी इसका मतलब थोड़ा सर्च करना पड़ा था और पता चला कि ये आजादी का, फ्रीडम का पर्यायवाची है। अब अगर मैं ये न पढ़ता तो न पता चलता। और दोस्तों ये याद रहे कि आजादी हमेशा पहले दिमाग से शुरू होती है। अगर हम खुली और आजाद सोच रखते हैं तो यह आजादी हमारे बर्ताव में खुद ब खुद आ जाती है। आजादी के बारे में और बात करते रहेंगे, फिलहाल इरुवर का ये गाना। आप सुन रहे हैं हिंदुस्तान की नई गीतमाला, हिंदुस्तान की नई गीतमाला। साहिर लुधियानवी साहब बहुत बड़ा नाम है। उर्दू पोएट एंड लिरिसिस्ट, रोट दीज लाइंस दैट रिफ्लेक्ट द प्लाइट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड इन सोसाइटी। कहते हैं कि ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहां हैं मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है ना। तो मैं सोच रहा था कि इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट इफ ही वर टू राइट एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दिस पोम, व्हाट कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड कंसर्न्स अबाउट द लेस फॉर्चुनेट वुड ही हैव पिक्ड अप। खैर, मैंने एक एमेच्योर सी कोशिश की है, सुनिए। ये छोड़ गांव अपना नए शहरों में आना, ये छोड़ गांव अपना नए शहरों में आना, हरी चादरों पे नई बिल्डिंग बनाना, ते फ्लैटों की चाबी नए मालिकों को, फिर झुग्गी में जाके घर अपना बसाना, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। ये हर दिन बदलते इंसानी रिश्ते, अकेले हम अपनी ही चक्की में पिसते, जो थोड़ा अलग है उसे दुश्मन बनाते, डर डर के कहते, डर डर के गाते, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। हवाएं हैं मैली ये गंदा ये पानी, हवाएं हैं मैली है गंदा ये पानी, डगर ढूंढती है भटकती जवानी, अरे छोड़िए ये बात आनी जानी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। मैट लैंगडन साहब कहते हैं, द ऑपोजिट ऑफ अ हीरो इज नॉट अ विलन, द ऑपोजिट ऑफ अ हीरो इज नॉट अ विलन, इट्स अ बायस्टैंडर। हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन। तो जब कुछ गलत होते देखें तो सिर्फ तमाशा ना देखें, जो आपकी हिम्मत हो, जो आपकी रिस्क एपिटाइट अलाउ करती है उतना जरूर करें। और फिलहाल सुनिए, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है, फ्रॉम द 1957 फिल्म प्यासा। ये पूछे ये नीलाम घर दिल कशी के,
ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के कहाँ है मुहाफिज खुदी के जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है हिंदुस्तान की नई गीतमाला हिंदुस्तान की नई गीतमाला बाकीरियोस वालांग कंसिडर्ड द फोक म्यूजिक मास्टर फ्रॉम मेघालय. His folk songs, they say, give a voice to the sacred forest of Moplang. They also say that if trees could sing, this is how they would sing. Moplang ka matlab hai ek kai se dhaka patthar, local Khasi bhasha mein. Khasi log ise apne bhagwan Labasa ka ghar mante hain. Labasa hame hamare gaon aur hamare logon ko nuksan se bachata hai. Khasi logon ka manna hai ki punya jangal ke bagair raj nahi chalte. और राज के बगैर जंगल नहीं चलते. दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे को संभालते हैं. द म्यूजिक दैट आई लव इट्स डीप इन माई हार्ट सेंडिंग मी इन टू थॉट्स वर्क ऑफ आर्ट इट कॉल्स टू मी सॉफ्टली इट लीड्स द वे एज एंशियंट एज टाइम इट्स हियर टू स्टे. भाई खासी लोग कुछ तो ऐसा जानते हैं जो हम सबको सीखना चाहिए नहीं. मेघालय के इस गाने को अब और ध्यान से सुनिए और अगर इसका पूरा वर्जन देखना है तो हमारे शो नोट्स में जाएं. ईश्वर मांगिए ईश्वर मांगिए ओ ईश्वर आपन पन्नो I want none. Oh, I want none. आप सुन रहे हैं हिंदुस्तान की नई गीतमाला हिंदुस्तान की नई गीतमाला कन्नड़ा स्टेशन पे आपका स्वागत है. आइए आइए अगली डिश है फिल्म गाली माथ. उसे 1981 में रिलीज हुई. इस फिल्म में लक्ष्मी आप शायद ना जानते हो लेकिन हिंदी फिल्म जूली याद है. हाँ वही वाली लक्ष्मी जो उसमें जूली बनी थी. लक्ष्मी ने तेलुगु मलयालम तमिल और कन्नड़ा मूवीज में बहुत सारा काम किया है और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं. बताते हैं कि अनंतनाग के साथ इनकी जोड़ी बड़ी हिट मानी जाती थी. गाली माथू में इनके साथ हैं जय जगदीश जो हमारे अगले गाने में भी हैं. साहित्य अकेडमी विनर कनाडा नॉवलिस्ट तारासु के नॉवल पे ये बेस्ड है. सोशल इश्यूज पे लिखा करते थे तारासु. थोड़ा सा अजीब लगता है ये सोचकर के कैसे कैसे हीरे हैं हिंदुस्तान की भाषाओं में. इसीलिए हमें घूमना जरूरी है अपने ही लोगों से मिलना जरूरी है. गाली माथू का मतलब है रूमर अफवाह जो कैसे उड़ती है कहां तक जा सकती है क्या नुकसान हो सकता है और क्यों हमें अफवाहों को रोकना चाहिए ये सबक इस फिल्म से मिलता है. अब जो ये आप गाना सुनेंगे ये पूछता है कि मैं कौन हूं तुम कौन हो वो कौन है. गौर से देखिए सब एक जैसे हैं नहीं. सुनिए नानेनू नीनेनू பள்ளிதரு நம்மவரே எல்லாம் நம்மவரே நானேனு நீனேனு அவனேனு ஒன்றையல்லரு இந்துஸ்தான் கி நை கீத்மாலா இந்துஸ்தான் கி நை கீத்மாலா. बुल्ले शाह बहुत बड़े सूफी पोएट और फिलोसोफर हुए हैं. 1680 में जन्मे थे पंजाब में जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन इनकी कही हर बात आज भी पूरा पंजाब गाता है बॉर्डर यहां हो या बॉर्डर वहां.
अपने वक्त के हिसाब से सिंपल लिखते थे लेकिन गहरा लिखते थे। अब जो आप सुनेंगे रब्बी शेरगिल की आवाज में, इस गाने ने तो बुल्ले शाह साहब को घर घर पहुंचा दिया भाई। इसमें ये कहते हैं कि यार बुल्ला, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, मुसलमान हूं, हिंदू हूं, हवा हूं, जमीन हूं। बुल्ले शाह साहब की बातें सुनकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। रब्बी की आवाज में हो तो और मजे आते हैं। नहीं, सुनते रहिए और याद रखिए, ये है रेडियो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। आप सुन रहे हैं हिंदुस्तान की नई गीतमाला, हिंदुस्तान की नई गीतमाला। बताते हैं कि एक तरफ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, और गुरुदेव रविंद्रनाथ ने ये गाना लिखा जो आज भी अंदर तक उतर जाता है। ऐसा है ना, हम सारे इंसान चाहते तो एक ही जैसी चीजें हैं, बराबरी हो, दोस्ती हो, सद्भाव हो, लोगों को अपना हक मिले। अच्छा यह है कि ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, और हमें इस बात पर गर्व है कि हमने खुद को दुनिया के बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक दिया। और अगर इसके लिए अकेला चलना पड़े, एकला चलो रे, गो ऑन अलोन, लिसन। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। वैष्णव जन तो एक भक्तिपूर्ण हिंदू भजन है जिसे 15वीं सदी के कवि संत नरसिंह मेहता ने लिखा था। ये महात्मा गांधी का एक पसंदीदा भजन था और उन्होंने अक्सर इसे अपनी प्रार्थनाओं में शामिल किया। गीत में एक सच्चे वैष्णव या भगवान विष्णु के भक्त की गुण धर्मों की बात की गई है। गाने के बोल उन गुणों को दर्शाते हैं जो एक सच्चे वैष्णव में होने चाहिए। इन गुणों में है करुणा, दया, विनम्रता, निस्वार्थ भाव और दूसरों के प्रति कर्तव्य भाव, ये सब शामिल है इसमें। गीत लोगों से बड़ी सिंपल सी बात कहता है, प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा, हिंदुस्तान की आध्यात्मिक परंपराओं से प्रेरित। सच मानिए आज पूरे देश को इसकी बहुत जरूरत है। बॉम्बे जयश्री की आवाज में लीजिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीढ़ पर आए जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीढ़ पर आए जाने रे, पर दुख उपकार करे तो, पर Ladies and gentlemen, welcome back to Radio Azim Premji University. Ye hai Hindustan ki nayi geetmala. Marathi station par ab hamari gaadi aur gaana hai Bharat cha pran aahe Samvidhan. Sunte rahiye Radio Azim Premji University. Ye hai Hindustan ki nayi geetmala. Bharat cha
भारताचा प्राण आहे संविधान, भारताचा प्राण आहे संविधान, भारताचा प्राण आहे संविधान, भारताचा प्राण आहे संविधान। तयाला जाणून घेई घेई, तयाला जाणून घेई घेई, तयाला जाणून घेई घेई, तयाला जाणता जाणशी स्वतःला, तयाला जाणता जाणशी स्वतःला, तयाला जाणता जाणशी स्वतःला, तयाला जाणता जाणशी स्वतःला। तव अस्तित्वाला अर्थ येई, तव अस्तित्वाला अर्थ येई, तव अस्तित्वाला अर्थ येई। भारताचा प्राण आहे संविधान, भारताचा प्राण आहे हिंदुस्तान की नई गीतमाला। ईश्वर अल्लाह, अब जो गाना आने वाला है इज अ मेमोरेबल सॉन्ग फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ द 1998 फिल्म अर्थ, डायरेक्टेड बाय दीपा मेहता। हमारे भगवान कोई भी हो, उसके नाम पे लड़ना, जंग करना, ये हमारे हाथ में है। और अक्सर हम लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, और इससे बचने के बड़े सिंपल तरीके भी हैं। अपने धर्म को समझो, दूसरे के धर्म को समझो, फिर उन चीजों पर फोकस करो जो इंसानियत में कॉमन है। कोई भी धर्म परफेक्ट नहीं होता, उसको हमें लगातार आज के हिसाब से समझना पड़ता है। हिंदुस्तान में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम सबकी इतनी जरूरत है, और अक्सर ये प्रॉब्लम्स इंसानी हैं। और किसी भी देश में अच्छे सोचने वालों पे ये जिम्मेदारी भी होती है कि हम इन प्रॉब्लम्स के हल निकालें, दिमाग की खिड़कियां खुली रखें। और याद रखिए कि देश हमसे बनता है, जो भी हम इसे बना देंगे ये वो बन जाएगा। बस दूर खड़े देखते नहीं रहना, अगर कुछ गलत होते देखते हैं तो उसके बारे में कुछ करें, जो भी आप कर सकते हैं। रिमेंबर, हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा है तमाशबीन। यह है जावेद अख्तर साहब का लिखा ईश्वर अल्लाह। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे मुद्दे पे जो हमें रोज दिखता है, पर अक्सर हम इतना देख लेते हैं कि ऑलमोस्ट इम्यून हो जाते हैं। वो है हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी। आप जहां भी जाएं कुछ चीजें याद रखें। सबसे पहले पढ़ते रहें, जितना ज्यादा आप जागरूक होंगे उतना कुछ कर पाएंगे। अच्छे दिमाग वालों से बात कीजिए, वॉलंटियर कीजिए, कोई अच्छा एनजीओ मिलता है, कोई अच्छा संस्थान मिलता है जो अच्छे मुद्दों पे काम कर रहा है, उनके साथ जुड़िए। क्योंकि याद रखिए, जितना हम प्रॉब्लम्स को समझते जाते हैं उतना उसके सॉल्यूशंस भी निकलते जाते हैं। अगला गाना फिल्म बूट पॉलिश से, हम्मत वाले पॉलिश वाले, सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि और कितने किस्म के लोग हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, वो गंगा जी नहलाते हैं, हम पेट का मंत्र पढ़ते हैं, जूते का मुंह चमकाते हैं। पंडित को पांच चवन्नी है, अपनी तो एक ही कन्नी है, फिर भेदभाव ये कैसा है, जब सबको प्यारा पैसा है। ऊंच नीच कुछ समझ न पाए, हम्मत वाले पालिश वाले, हम्मत वाले पालिश वाले, है जरा हो जाने वाले बाबू मिस्टर गोरे काले, कब से बैठे आस लगाए, हम्मत वाले पालिश वाले, हम्मत वाले पालिश वाले। और जाते जाते दोस्तों वापस गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर पे आते हैं। हम सब ने स्कूल में पढ़ा होगा वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। आज मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूं, क्योंकि जो आज से 100 साल पहले गुरुदेव ने कहा था वो आज भी उतना ही सच है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, सुनिए। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां दिल में कोई डर ना हो, जहां झुका कोई भी सर ना हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls,
जहां इल्म आजाद हो जिंदा हो, जहां इल्म आजाद हो जिंदा हो, छोटी छोटी दीवारों से जहां बटाना हर बाशिंदा हो, वेयर वर्ड्स कम आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां सच से सोच निकलती हो, लफ्जों में जान मचलती हो, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जहां बाजुएं कोशिश करने का हर दिन कमाल दिखलाती, जहां अच्छी सोच की धाराएं सहरा में नहीं खो जाती, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom, my father let my country awake. ho zehno dil mein soch khuli, ho zehno dil mein soch khuli, mushkil na koi bhi kaam lage, aisi azad si jannat mein ae mere khuda mera watan jage. hindustan ki nayi geetmala. दोस्तों आखिर में आई इनवाइट यू टू डेल्व इनटू द मेस्मराइजिंग वर्ल्ड ऑफ वन ऑफ हिंदी सिनेमाज मोस्ट एनचांटिंग म्यूजिकल जेम्स, ये इश्क इश्क है फ्रॉम द टाइमलेस क्लासिक बरसात की रात. दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्पोजिशन पेंड बाय द माएस्ट्रो साहिल लुधियानवी साहब ओपन्स विद ट्रेडिशनल उर्दू शायरी एंड देन ब्यूटिफुली ट्रैवर्सेस द हिल्स स्ट्रीम्स फील्ड्स एंड रिवर्स ऑफ इंडिया. इट वीव्स टुगेदर रेफरेंसेज टू सूफी पोएट्री, the divine love of Radha and Krishna in the rustic Braj Bhasha, the unshakable devotion of Mirabai, and even mentions Musa or Moses and Kohitur, Mount Sinai. Sahir Ludhianvi Sahib in his poetic brilliance presents a comprehensive definition of ishq, love, while paying homage to India's various cultural facets. Hum jald dobara milenge, tab tak ye ishq ishq hai, ishq ishq. हर रस्म पड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है. इश्क आजाद है हिंदू ना मुसलमान है, इश्क आप ही धर्म है और आप ही ईमान है. इश्क जिस आगा नहीं शेख ब्रह्मन दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है. हिंदुस्तान की नई गीतमाला, हिंदुस्तान की नई गीतमाला. You're listening to. आप सुन रहे हैं. You're listening. भीन सुनो था. निंगला कहते ना दर. You केलता इधर. निहाई करता. रे कथा सुन. Radio. Radio. Azim Premji University.